हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, सिंपल मैथ टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग मैथ के क्वेश्चन को कुछ देखो और देखो कि आप कितने मैथ के क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर पाते हो। यहां पर बेसिकली मैं आपको टोटल 13 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि मैथ के बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर ELP एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन आप लोगों के डाउट के रूप में आए थे, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर ELP के ही पेपर है, ठीक है। तो आप लोग देख लो कितने क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ट्राई कर पाते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग को मैं बोलूँगा ये सिंप्लीफिकेशन है, तो आप लोग इसका पहले आंसर को बना के मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटा के टोटल हम लोग अब 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला आपका, संख्याएँ में 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर है। तो सिंपल सा क्या पूछा आपसे, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर। तो आपसे प्लेस वैल्यू का अंतर पूछा है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले मेरा क्या संख्या है, 4, 2, 8, 6, 9, 3, 7, 4, 5। तो यहाँ पास हम लोगों को पता है ये मेरा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, ये मेरा टेंस होता है, ये मेरा 100 होता है, ये मेरा क्या होता है, 100 के बाद क्या 1000, और ये क्या होता है 10,000। तो यहाँ पर आपसे 9 का पूछा और 5 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो मतलब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 9 × 10,000 मतलब ये क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। अब यहाँ पास 5 है तो ये यूनिट डिजिट पे है, तो मतलब क्या 5 × 1 तो 5 हो गया। तो बस इसी का तो आपसे अंतर पूछा है, तो 90,000 में 5 घटा दो क्या हो जाएगा, 79,995। तो इसका आंसर क्या है, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यहाँ के पास क्या बोला आपको, यदि 10 थीटा का वैल्यू आपको दे दिया तो पी का मान क्या होगा, आपसे पी का मान पूछा है। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पी का भी आपको यहाँ पर दिया, इसी का वैल्यू पूछा है। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा तो नॉर्मल सा आपको वैल्यू फाइंड करने बोलता था, यहाँ पास आपको अब क्या बोला, पी का वैल्यू बताओ। तो क्या करोगे, सिंपल सा आपको पता है 10 थीटा मेरा क्या होता है, P/B होता है। तो P/B मेरा पहले से कितना है, 7/24 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हाइपोटेनस निकालोगे पैथागोरस थ्योरम से। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। 625 किसका स्क्वायर है, आपका 25 का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस भी मेरे को पता चल गया, 7, 24, 25 है, ट्रिपलेट है, क्लियर है। चलो अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, इस सारी चीज़ को हटाता हूँ। अब देखो 10 थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7/24 है, तो 7/24 फिर क्या है, माइनस सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रिवर्स। तो कोस थीटा मेरा B/H, तो H/B, तो H कितना हो जाएगा 25, और यहाँ क्या हो जाएगा 24। साइन थीटा P/H, तो P का वैल्यू 7 और यहाँ आपका H का वैल्यू 25, मतलब 7/25। तो बस जल्दी लो आप सॉल्व कर लो, अब ये आपके पर डिपेंड करता है कितना जल्दी सॉल्व करोगे। तो इक्वल टू क्या है फिर आपका, -P/28। अब यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर कैलकुलेशन को ज़्यादा भी नहीं करना है, देखो देख के पता चल रहा है 24 एलसीएम कितना हो जाएगा 24, मतलब 25 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 18, ये माइनस में 18 होगा, ध्यान से देखो माइनस में हो जाएगा ना 18, तो मैं माइनस को पहले ही काट दे रहा, मतलब 18 में यहाँ क्या जाएगा 18/24 हो जाएगा, 18/24 होगा कि नहीं होगा, तो 18/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 का पारा में काट दो, समझ रहे हो, तो 3/4 आ गया, ये 3/4 है, नीचे 7/25 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 75 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 × 28 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, P/28 के बराबर है, तो 28 कैंसिल, तो P का वैल्यू क्या आ गया 75, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। और ये आपका डाटा सफिशियंसी, तो आपको पता होगा डाटा सफिशियंसी से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ देख के बताना है कि कौन सा सफिशियंट होगा इसका आंसर देने के लिए या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, XYZ का औसत मजदूरी क्या है, क्लियर है। कथन पहला क्या बोला है, Y का वेतन XZ के आधा है, तो तीन लोगों है XYZ, क्या बोला है, Y का वेतन X और Z का आधा है, तो मुझे नहीं पता है कितना है मगर आधा बोला गया है। तो यहाँ पर आप केवल पहला कथन से आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मतलब ये क्या होगा, इससे आप आंसर नहीं दे पाओगे। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक है कमाते हैं और जेड 500 रुपये कमाता है, तो इससे देखते हैं। तो अब आपका जैसा क्वेश्चन है बोला कि एक्स वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाता है, जिसमें से जेड आपका पहले से ही आपका 500 रुपये कमा रहा है, मतलब अगर ये अगर आपका 500 रुपये कमा रहा है तो ये दोनों मिलके कितना कमा रहा ज़्यादा, इससे 40 रुपये ज़्यादा, मतलब ये आपका 540। तो अब बताओ आप औसत नहीं निकाल दोगे मजदूरी का,
एक्स वाई जेड का, तो आपको निकालना नहीं है, सिर्फ बताना है कि आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो आराम से निकाल लोगे क्योंकि एक्स वाई का आपको पता है और जेड का ही पता है, तो तीनों का जोड़ के 3 से भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होता अगर ऑप्शन में होता तो, यानी आपका कथन 2 पर्याप्त है इसका जवाब देने के लिए और पहला आपका पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये रहा, अब एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे मुझे आपका आते थे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्या बोला आपको, यदि आपको एक इक्वेशन दे दिया x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान कितना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी बार सॉल्व किया और इसका अलग टाइप का वर्जन भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। देख लीजिए फिर से, ये आपको एक दे दिया इक्वेशन, आपको बोल रहा है कि अगर ये परफेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है एक्स माइनस 5 से तो a का वैल्यू बताना। अब देखो अगर ये इसको परफेक्ट पूरा डिवाइड कर देगा, मतलब पूरा विभाजित कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 5 ये वाला इसका इक्वेशन को होल्ड करेगा, मतलब ये वाला अगर x का जगह पे डालोगे तो क्या होगा, जीरो वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अगर ये इसका रूट के तौर पे समझो या फिर इसको डिवाइड कर रहा तो मतलब क्या, रूट होगा। अगर ये इसको डिवाइड कर दे रहा तो मतलब इस इक्वेशन को होल्ड भी करेगा। तो बस यहाँ पर x का वैल्यू डाल दो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर 25 दिया 75, ए एक्स क्या हो जाएगा 5a और 4, अब ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो बताओ ए का वैल्यू नहीं निकालोगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 4 79, माइनस में वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 5a माइनस 79। अब हम लोगों को पता है 16 5 मेरा 80 होता है, 16 5 80 होता है, केवल एक कम है, तो 1/5 कितना होता है 0.2, मतलब यहाँ क्या होगा माइनस में तो होगा 15.8, क्योंकि 0.2 की कमी थी, 0.2 होता तो मेरा क्या होता है 16 होता, तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अब एक टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पास आपसे केवल पूछा है ए का वैल्यू। कभी कभी आपको क्या करेगा, एक इक्वेशन दे के आपसे बोल दिया ये इससे डिवाइड हो रहा है, कभी बोलेगा एक और इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ये x माइनस 3 से डिवाइड होता है, अब यहाँ पर b का वैल्यू बताओ, और तब जाके आपको टोटल क्या बोलेगा कि a प्लस b का वैल्यू बताओ, इस तरीके का भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करना है, 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, a और b का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ए रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक टाइप का ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। यहाँ पास क्या बोला, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेरा ये कंडीशन अगर आपका होता है तो उस समय मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आपका 3abc के बराबर होता है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है 3abc। जब मेरा ये आपका मतलब आपका जब कंडीशन दे देता है कि तीनों का वैल्यू अगर 0 है तो मेरा ये ऑटोमेटिक ए प्लस बी प्लस सी क्यूब का हो जाता है 3abc। अब देखो आपसे वैल्यू क्या पूछा था, इसी का स्क्वायर पूछा था, तो मतलब इसका वैल्यू अगर ये है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, 9a² b² c², तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब ये आपका हुआ कैसे, तो अगर ये चीज़ नहीं भी पता है तो आपको फॉर्मूला कम से कम पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो सोचो a प्लस बी प्लस सी का अगर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको, तो a क्यूब होता है, ये चीज़ मैं दिखा भी देता हूँ, b क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर आपका 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका मल्टीप्लाई में ये अभी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस 3abc। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या था, मेरा 0 था, तो ये 0 मतलब यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा को 0 बना देगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या आ जाएगा, ये माइनस 3abc है, ये 3abc है, तो ये वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समझ आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है माइनस 3, मतलब 3abc। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते चलिए से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज में परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो नॉर्मल सा क्या बोला, टू साइड होल्डिंग द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल विल बी। तो आपसे अंदर का एरिया पूछा है, तो मतलब का कोई एक सर्कल होगा। अब ये सर्कल के अंदर में क्या समकोण त्रिभुज है, तो चूंकि समकोण त्रिभुज है तो ये मेरा समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, जिसमें से दोनों का भुजा क्या बोला, 2 भुजा आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 या 4 होगा, या तो ये फिर आपका 3 और 4 होगा, तो ये क्या होगा, इसका ट्रिपलेट होगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये क्या निकल जाएगा, आराम से 5 निकल जाएगा। तो आपसे इसी का अंदर का एरिया पूछा है, तो अब ध्यान से देखो ये वाला जो इसका हाइपोटेनस है वो किसके तौर पर काम करेगा, तो इस सर्कल का डायमीटर के तौर पे काम करेगा,
करेगा ना, थोड़ा सा डायग्राम में इधर से उधर हो रहा है, मगर सोचिए ये कहाँ का काम करेगा, ये मेरा पूरा डायमीटर है। तो मेरा जब डायमीटर मुझे पता चल गया कि 5 है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 5/2 होगा। तो बस एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या होता है मेरा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई छोड़ दो, आर क्या हो जाएगा मेरा 5/2, मतलब ढाई। तो ढाई का स्क्वायर क्या होता है 625, तो पॉइंट यहाँ लगा दो, यानी आपका क्या हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अब एक चीज़ यहाँ पास और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जब आया है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था। अगर आप मान लो कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, आपको भुजा दे देगा, 3 दे दिया, फिर से 4 दे दिया, ये आपको 5 दे दिया। अगर बोलता है कि इसका अंदर कोई सर्कल है, अब इसका रेडियस बताओ, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, और ये भी आपका ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको दे देगा भुजा और आपसे बोलेगा कि अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, मतलब त्रिज्या क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, ये आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस माइनस हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर था, मतलब हाइट था, बात समझो, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, और बटा में 2, और ये आपका रेडियस दे देगा, मतलब आपका 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 को 2 से भाग दे दो क्या हो जाएगा 1, यानी इसका जो रेडियस होगा 1 होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो, और क्वेश्चन का लेंथ में कभी भी मत जाना, जितना बड़ा लेंथ रहे तो आप उसको एक बार जरूर देख के ही जाना। यहाँ पास क्या बोला आपका, इन अ कंप्यूटर गेम अ बिल्डर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 आवर, ठीक है 10 घंटा में बना रहा, वाइल अ डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच अ वॉल कम्प्लीटली इन 14 आवर, बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर विल इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड बट आफ्टर 7 आवर द डिस्ट्रॉयर वॉज टेकन आउट, वट वॉज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, सिर्फ इतना बड़ा लिखा हुआ था। यहाँ पास कोई भी आपका कोई कंप्यूटर में गेम खेला जा रहा है, जहाँ पर कोई आपका दीवार बना रहा और कोई दीवार तोड़ रहा, ठीक है सिंपल सा वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पास कोई 10 घंटा में दीवार बना रहा और कोई जो है 14 घंटा में दीवार को तोड़ दे रहा, तो सबसे पहले पूरा आपका टोटल वर्क निकाल लेंगे, उस दीवार को बनाने में कितना लगेगा, तो 10 × 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ पास अगर ये 70 है तो मतलब जो ये वाला वॉल था वो 1 घंटा में 5 बनाएगा, और ये 1 घंटा में 5 आपका गिराएगा और ये आपका 7 बनाएगा ना, क्योंकि 70 आपका टोटल हो जा रहा वर्क, और यहाँ पर अगर 1 घंटा मतलब पूरा काम अगर 10 घंटा में कर रहा तो 1 घंटा में 7 कर रहा होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि ये दोनों मिलके आपका 7 घंटा तक काम करता है, फिर आपका जो डिस्ट्रॉयर था मतलब जो तोड़ रहा था वो छोड़ देगा, तब आपसे पूछा कि टोटल कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों मिलके कितना काम आपका करेगा 1 घंटा में, दोनों मिलके 1 घंटा में आपका केवल 2 काम कर पाएगा, क्योंकि ये आपका 7 बनाएगा तो ये 5 तोड़ भी तो देगा, तो टोटल आपका काम कितना हो पाया 2 हो पाया, यानी 7 घंटा तक उन लोगों द्वारा 7 काम हुआ है। तो मतलब कितना हो गया टोटल काम 7 × 2 यानी 14 काम खत्म। अब आपका जो डिस्ट्रॉयर था वो आपका छोड़ के चला गया, अब अकेला काम कौन करेगा ये करेगा, तो 70 में से 14 काम खत्म, बचा कितना काम 56 काम बचा। अब 56 काम पूरा कौन करेगा ये करेगा, और 1 घंटा में 7 काम करता तो 56 काम करने में कितना समय लगाएगा 8 घंटा लेगा ना 8 घंटा। तो यहाँ पास आपका 8 घंटा और यहाँ उन लोगों के द्वारा 7 काम कितना हुआ था 7 घंटा उन लोग मिलके काम किए थे, मतलब टोटल कितना समय लगा 8 और 7 = 15 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो यहाँ पास मैं भी ये क्वेश्चन भी आपको मेरे ग्रुप डी के सेट में कराया था अगर याद होगा तो। यहाँ पास देखो ये वाला दे दिया आपको, इसका वैल्यू पूछा है, तो ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करना है आपको ब्रेक करना है। तो ये 54 है, 54 को किस प्रकार आप लिख सकते हो 9 × 6 = 54, तो 9 तो मेरे रूट से बाहर निकल सकता है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 3√6। यहाँ क्या 150, तो 25 × 6 = 150 होता है, 25 मेरा बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बन के निकलेगा, मतलब 5 + 6 = a दे दिया। अब आप देख सकते हो 3 × 5 कितना हो जाएगा 8√6 = a, ध्यान दे रहे हो। अब यहाँ देखो √6 था इसलिए हम लोगों ने जोड़ दिया, अगर यहाँ पर रूट के अंदर में अलग अलग नंबर आएगा तो कभी नहीं जुड़ेगा ये, ध्यान देना ठीक है। तो 8√6 का वैल्यू आपका a आ गया, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पास अब इसको भी अब ब्रेक करो, तो 96 को कैसे लिखोगे 16 × 6 मतलब 4√6, यहाँ 216 36 × 6 यानी क्या हो जाएगा 6√6। तो ये आपका क्या बन गया 6 × 4 = 10 यानी 10√6 का वैल्यू आपको फाइंड करने बोला। तो देखो इतना का वैल्यू इतना है, तो आपको इतना का वैल्यू नहीं बता दोगे, आराम से यूनिटरी मेथड लगा दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका 8√6 और मल्टीप्लाई किस हो जाएगा 10√6, तो √6 कैंसल, 10/2 10/8 कितना होता मेरा 10/8 कितना होता, तो 1.25
मतलब 1.25 और ए आपका साथ में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपका, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं का एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं का वृत्त की उन दो त्रिज्याओं का अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। तो नॉर्मल सा है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ एंगल 75 डिग्री। तो मतलब कोई एक आपका सर्कल है, ये सर्कल में कोई एक टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर झुका हुआ, मतलब आपका इंक्लाइंड है, कितना डिग्री एंगल पर, 75 डिग्री एंगल पर। तो मतलब ये आपका एंगल कितना है, 75 डिग्री, आपको बता दिया। आगे क्या बोल रहा है आपका, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ द सर्कल द एंगल बिटवीन हुम इज। तो अब आपका क्या बोल रहा है कि जहाँ टेंजेंट का एंड है, मतलब वहाँ से आपका कोई सर्कल का एक रेडियस है, जैसे कि यहाँ से आपका रेडियस हो गया और ये मान लो आपका रेडियस यहाँ से हो गया, ठीक है, ये आपका मान लो थोड़ा सा ये आपका डायग्राम अगर इधर से उधर था, तो अब आपको क्या बोला, यही दो रेडियस जो है इसके बीच का आपको कोण बताना, मतलब एंगल बताना है, ये है आपका क्वेश्चन। बात समझ रहे हो, तो बस अब बता दो। तो यहाँ पर अगर मैं नाम दूंगा तो क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ उसको ओ दे देता हूँ, ये आपका ए मान लो और ये आपका बी मान लो और ये आपका सी मान लो। तो आपको मैंने ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी में बताया था, अगर आपको याद होगा, कोई भी टेंजेंट से, अगर टेंजेंट से कोई लाइन अगर आपका सर्कल से टच करता है तो वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, बनाता है ना, यानी ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब आप ही बताओ, अगर मैं बोलूँ आपका ये जो है ए, मतलब ए बी सी ओ, मतलब ए बी सी ओ, ये मेरा क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है कि नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का मेरा सम कितना होता है, अंदर का पूरा कोण, तो 360 होता है। अब आपका 360 में आपको पता है कि 90-90 सामने वाला हो चुका है, तो यानी 180 हो गया, तो मतलब ये वाला और ये वाला मिलाया कितना होगा, 180 होगा, तो ये 75 है, तो ये इसको कितना होना चाहिए, तो 105 होना चाहिए। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आएगा तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा 75 में कितना जोड़ेंगे जो आपका 180 हो जाएगा, तो आपका 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपका, एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य 15 है, जबकि समूह के सभी संख्याओं का मध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का मध्य 18.25 है तो समूह का कुल कितनी संख्याएं थी। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन हर किसी को समझ आया होगा। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा है, समूह में कितनी संख्याएं हैं। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो समूह में संख्या है वो आपका एक्स है। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसे ही कर दो। क्या बोला था आपका, यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का मध्य कितना बन रहा है, 18.25। तो ये मेरा टोटल था पूरा संख्या, और जो 5 संख्याओं को अगर हम हटा देंगे तो मेरा मध्य कितना बन रहा है, 18.25। तो सोचो जो हम 5 जो सबसे छोटी संख्याओं को अगर मैं हटा दूँ तो पूरे का योग कितना होगा, ध्यान से समझो, पूरे का योग कितना होगा मेरा, एक्स माइनस 5, क्योंकि पूरा ये संख्या था एक्स, और यहाँ से जब 5 हटाए तो मेरा मध्य कितना बन गया, 18.25। तो ये मेरा पूरा संख्याओं का योग हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, तो आपका टोटल संख्या था एक्स मैंने माना था, तो पूरा टोटल योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17, क्योंकि 17 गुना एक्स सभी संख्याओं का मध्य कितना बताया था 17x, तो ये हो जाएगा 17x। अब यहाँ पर माइनस कितना करोगे, तो 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य आपको बता दिया था 15, यानी 5 सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, 15 गुना 5, यानी ये 75। अब बताओ ये हो गया कि नहीं हो गया, तो बस ये चीज़ आपको लिखना था। अब यहाँ देख सकते हो सब कुछ आपका सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग, तो बचेगा क्या, तो बचे हुए संख्याओं का पूरा यही ना योग के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर होगा। अब यहाँ पास आप देख सकते हो, अभी आपके डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखो 17x है, यहाँ क्या आपका 18.2x है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो मतलब ये आपका 1.25x होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, माइनस में है और ये आपका माइनस में, तो ये वाला माइनस आपका इधर आ जाएगा, आएगा ना, तो ये आपका 5 गुना 18.25, तो 18 गुना 5 कितना होता है मेरा 90, तो 90 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, अभी 0.25 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 90 में से 75 जाएगा कितना हो जाएगा, 15 बचेगा। अब 0.25 और 5, 1.25, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ 15 और प्लस 1.25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16.25। तो ये आप इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 125 1625 को कितना बार में काट सकता है, 13 बार में काट देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नहीं समझ आता तो 25 को 5 बार में काटो, 25 को 65 बार में काटो, फिर 5 को काट दो 13 बार में, जैसा कर सक करोगे आंसर आपका वही आएगा। चलिए सिंपल सा इस तरीके से आप कर सकते थे बिना किसी परेशानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इस तरीका का भी आपका बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन मैंने आपको किसी सेट में कराया था मुझे याद है। यहाँ पास क्या बोल रहा है, किसी घनाप की तीन सतहों का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, घनाप का आयतन कितना है। मतलब सिंपल सा आपको क्या बोल दिया, द सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेस ऑफ क्यूबल क्यूबाइड शेयरिंग ऑफ वर्टेक्स 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आपसे आयतन पूछा। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आज भी कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ देखिए क्षेत्रफल और आयतन में बहुत का अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या होता है एरिया देता है और ये आपका वॉल्यूम देता है, किसी भी चीज़ का अंदर का वॉल्यूम देता है। बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पास आपको क्या बोला, घनाभ, कोई घनाभ है मतलब कोई क्यूब है, तो ये आपका क्यूब है, ये मैं बना भी देता हूँ आपको समझ अच्छा से आएगा, ये आपका क्यूब है। अब बोल रहा है कि तीनों सतह का क्षेत्रफल, मतलब इसका कोई भी एक अगर इसका सतह को ले गए तो ये क्या बनेगा, एक टाइप का रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही सोचो। रेक्टेंगल का मेरा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कभी आपने सुना है कि सिलेंडर या शंकु उंकु का क्षेत्रफल होता है, उन लोगों का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पास आपका रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल बन गया कुछ एक सतह का, तो इसका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, बात समझ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पास अगर आप सोचो, ये अगर 20 है पूरा एरिया, ये अगर आपका 20 है तो इसका लेंथ ब्रेथ क्या रहा होगा, आप ही सोचो किस तरीके से आप इसको लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हो। तो 5 × 4 कर सकते हो या 4 × 5 करो, होगा तो 20, यानी इस तरीके से हो सकता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको 10 × 2 भी तो ले सकता था, 10 × 2 मेरा क्या होगा, 20 होगा। मगर आप ही सोचो, अब मेरा ये क्यूब में अगर आओगे तो क्यूब में सोचो, अगर इसका ये सतह का लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, इसका भी लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, इसका भी लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, तो लेंथ या फिर ब्रेथ हर जगह कॉमन भी तो होगा, कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो आप सोचो अगर 10 × 2 लिखोगे तो उसको बाद वाला नंबर को भी 10 के फैक्टर में होना चाहिए था। देखो मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको दिमाग में डाल रहा हूँ कि आपका बोलना क्या चाहता है। मतलब यहाँ पर 10 × 2 आप नहीं ले सकते क्योंकि सभी एक दूसरे में कॉमन भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, केवल 5 × 4 होगा। बात को समझ रहे। तो अब आपको क्या करना है, उसी तरीका से आप सोच लो 20 को किस तरीका से आप तोड़ सकते हो, 4 × 5 या 5 × 4। अब 32 को किस तरीके से तोड़ोगे, तो जिस तरीके से भी तोड़ना एक संख्या आपका यहाँ से कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, ये देख सकते हो कॉमन मिल रहा है। और ये 40 को कैसे तोड़ोगे, तो 8 × 5 होगा क्योंकि यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ से भी आपका कॉमन मिल रहा है। यानी अब आपको समझ आया कि मेरा लेंथ ब्रेथ और मेरा हाइट क्या होगा, और यही चीज़ की मुझे कमी थी तभी जाके मैं वॉल्यूम निकाल सकता था उस आयतन का। तो यहाँ पास आपका किसी को भी आप कुछ भी मान लो, क्योंकि आपको करना क्या, गुना करना है, यानी 5 × 4 और 4 × 8, तो क्या हो जाएगा, 8 × 32 और 32×5 = 160, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। कभी कभी आपको क्या दे देता है, कभी कभी आपका दो चीज़ सेम हो जाता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपका सेम भी हो सकता है, मगर देख लीजिएगा चार्ट तो आपका तब रहेगा, तभी आपको पता चलेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ये भी क्वेश्चन मुझे आप लोगों द्वारा मिले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किसी सामान्य सेट का संदर्भ में, आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन कोई मैथ नहीं है, नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, सेट थ्योरी का ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर बनेगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या बोला, ए ये आपका यूनियन है, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। मैंने किसी वीडियो में आपको बताया भी था ये चीज़ कि इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसका मतलब यूनियन होता है और इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। अब आपसे इसी का फॉर्मूला पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा कोई सेट में। तो ये चीज़ आपको बनाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है, अब आप इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये 8 और 9 है, तो 6, 7 को मैंने पहले हटा दिया। तो यहाँ पर आपको सभी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। अब अपना आपको और आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, मगर ये 3 को हटा दो क्योंकि ये 3 से कभी मुझे नहीं लगता कि आएगा। आपको नॉर्मल सा अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, आप देख लेना ये क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका होगा और वो ये वाला क्वेश्चन है शायद, क्योंकि आपका यूनियन वाला था पूछा गया था। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तभी आप बना पाओगे, वरना आपसे नहीं बनने वाला है, मतलब कोई क्वेश्चन तो है नहीं, फॉर्मूला। तो ये 2 को हटा देना, ये डिमॉर्गन लॉ पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नॉर्मल सा सिंपल सा, एक एक बार दो दो बार देखोगे समझ आ जाएगा सब कुछ क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आपका डिमॉर्गन लॉ भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये आपका बेसिकली हल्का बता देता हूँ, डिमॉर्गन लॉ में होता क्या, ये सी जो छोटा सा लिखा हुआ इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, कहीं कहीं इस तरीका से भी आपका दे दिया जाता है,
किसी भी नंबर को ऊपर में दे दिया जाए तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये आपका जो साइन को चेंज कर देता है, मतलब ये अगर आपका यूनियन है तो इसको इंटरसेक्शन बना दिया, ब्रेक करते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट में ये आपका अगर इंटरसेक्शन है तो ये आपका यूनियन बन जाता है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इस तरीका का ये वाला को याद कर लेना, एक नौ नंबर इसको और इसको, ठीक है। कॉम्युलेटिव लो तो खत्म है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था यानी इसको बताओ। तो आपको फॉर्मूला अगर पता रहता तो आप क्या करते, नॉर्मल सा ए यूनियन क्या होता है, ये आपका ये जो आपका है यूनियन में बदल जाता, ये आपका क्या होता, एक सेकंड, ये आपका हो जाता ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये आपका अंदर सेट में आ गया, और ये आपका ये, और फिर ए और सी, मतलब ए यूनियन सी, नॉर्मल से आप समझ सकते हो। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे बीच में आपका ये आपका यूनियन साइन है तो यूनियन दे दो समझने के लिए, और ये जो अंदर में है वो आपका इधर आ जाएगा, और ये यूनियन सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो देख सकते हो, तो इस तरीका से था। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, समझ आ रहा होगा। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तभी आप बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग जो मुझे भेजते हो, मैं मुझे लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है तो मैं उसको ले भी लेता हूँ, ठीक है, वरना मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही देता हूँ। तो चलिए यहाँ पास यही जो क्वेश्चन थे जो कि मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे तो मैंने आपको करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।